आजकल नहीं है, अब तो बादशाही निज़ाम है या अपराधा निज़ाम है वगैरह वगैरह।
यानी वो तो अब एक टॉपिक कर लेना है। अब ये अल्लाह उसके रसूल का तय करता और मुकर्रर करता दर्जा और मनसब है, इसकी बड़ी फजीलत है, बड़ा रुतबा है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अमाम को ये मकाम अता फरमाया कि जब भी तुम नमाज पढ़ो तो अपने लिए अमाम मुकर्रर करो, जैसे वो रकू करें तुम वैसे रकू करो, जैसे वो सजदा करें वैसे सजदा करो और उसकी इत्तबा में रहो। और इमाम को इमाम इसलिए कहते हैं कि दीन के मामलात में लोग उनकी पैरवी करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, और करना भी चाहिए कि हर बंदा दीन के एतबार से इल्म के एतबार से इस दर्जे का नहीं होता कि वो दीन के हर मामले को खुद से जो है वो फैसला करे, नहीं, बल्कि इस्लामी तारीख का अगर मुताला करें तो हमारे बुजुर्गों ने जो है हदीस के इमामों का अलग जो है वो रुतबा दर्जा बनाया है, फिक्र के इमामों का अलग बनाया है, कुरान की तफसीर करने वालों का अलग बनाया है। तो अमामत का मफहूम सिर्फ मस्जिद तक नहीं है बल्कि इसका आम है मफहूम, अल्लाह के सारे नबी इमाम बनकर है। और इसी तरह रसूलुल्लाह के जो सहाबा हैं वो भी हमारे लिए इमाम का दर्जा रखते हैं, हजूर की आगे बैठ के जो अफराद हैं वो भी हमारे लिए इमाम का दर्जा रखते हैं कि हम जो है कई मामलात में उनकी पैरवी करते हैं। और जो इमामुल हाई यानी मोहल्ले का जो इमाम होता है वो अपना उसका जो दायराकार है वो महदूद है, और जो दीगर उसकी किस्में इमामत की उनका रुतबा और दर्जा वो इससे बुलंदतर है, एक बात। दूसरी बात ये, इस आयत से ये पता चला कि अल्लाह ताला का ये कहता है कि जब भी उसका कोई बंदा अल्लाह के अहकाम में पूरा उतरता है या अल्लाह के इम्तिहान में पूरा उतरता है तो अल्लाह ताला अपने उस बंदे को हर एतबार से बुलंद मकाम और मर्तबा अता फरमाता है। जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उन इम्तिहानों से गुजरने के बाद अमाम का रुतबा अता फरमाया। अब यहां से हमें ये सबक हासिल करना चाहिए कि खास तौर पर आज के दौर में हमारी जो नौजवान नस्ल है वो मेहनत से जी कतराती है, वो अल्लाह के आकाम की पैरवी से जी कतराती है, वो अल्लाह ताला के आकाम की पैरवी में अपने आप को लाने के लिए आसानी से तैयार नहीं होते। तो उनको ये बात बार कराई जाए कि अल्लाह के आकाम की पैरवी में मुश्किल जरूर है, आकाम पर सबर करना, इस्तेकामत इख्तियार करना जरूर मुश्किल है, लेकिन इसका अजर ये है कि बाकी किसी काम का इनाम मिले या न मिले अल्लाह के आकाम की पैरवी के बाद अल्लाह उसे जरूर इनाम अता फरमाता है। वो कहते हैं ना कि अपना यूं गिरा नहीं करते किसी की गोद में फल है दोस्त, यूं गिरा नहीं करते किसी की गोद में फल है दोस्त, वक्त की शाख को हिलाना पड़ता है। तो जब इंसान मेहनत के रास्ते पे चल पड़ता है अल्लाह ताला उसके लिए मामला आसान करता है। हमारे यहाँ ये बीमारी है कि हम चाहते हैं कि काम कोई भी ना करे, घर बैठे रहे, लेटे रहे, मखमल की चादर हो, घर का माहौल हो, और सुबह उठे तो पैसों का ट्रक हमारे दरवाजे में खड़ा हो, तो ऐसा नहीं होता। हमेशा अल्लाह ताला ने इनामात को अपने जो है रुतबे को अल्लाह ताला ने मनसब को वो मेहनत के साथ जोड़ के रखा है, और मेहनत करेगा उसका अल्लाह ताला उसको अजर अता फरमाएगा। इसी तरह मियां साहब फरमाते हैं कि कीमत पैदी ने कुछ दुख भी ते सहना पड़ता है और कतरे नु मोती बनन लई कैदा विच रहना पड़ता है। वो मोती बनता है तो कितना अरसा वो सिप्पी के मुंह में कैद में रहता है, और वो जेल की शक्ति के बाद अल्लाह उसको फिर मोती का दर्जा अता फरमाता है। तो अब यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो अमाम मुन्नास यानी कयामत तक के लोगों का जो अल्लाह ने इमाम बनाया है वो ऐसे नहीं बना दिया, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मोहब्बत का, अल्लाह के अकाम की पैरवी का और अल्लाह ताला के इम्तिहानों में कामयाबी का हक अदा कर दिया। अल्लाह ने माल की कुर्बानी मांगी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है अपना सारा रेवड़ अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मोहब्बत में नमरूद की आग में छनान तक लगाना जो है वो कबूल कर लिया। अपने बेटे को जो 90 साल की उम्र में बेटा मिला इतनी दुआओं के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको जो है अल्लाह की राह में कुर्बान करने में जो है वो तैयारी पकड़ ली। और इसी तरह हिजरत के मौके में जो है उन्होंने फौरन पैरवी की। तो अल्लाह का ये कहता और कानून है कि मेहनत के बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल-कासिब हबीबुल्लाह कि जो मेहनत से कमाने वाला है वो अल्लाह का दोस्त है। इसी तरह हजरत फरमाते हैं अत-ताजिर अस-सादिक युबअस यौम अल-कियामत मअल अंबिया वश-शुहदा। हजरत फरमाते हैं कि जो ताजिर मेहनत से तिजारत करता है सच्चाई से तिजारत करता है अल्लाह कयामत के दिन उसको नबियों और शहीदों की सफ में खड़ा करेगा। कितना बड़ा अजर। ठीक है, तो इसलिए मेहनत में असमत जो है ये हमें इस्लाम सिखाता है। एक दिन पहले भी मैंने बुखारी शरीफ की ये हदीस मुबारक यहाँ पे कोट की थी, आज मोहम्मद के खाते दोबारा रिपीट करता हूँ कि हजरत जो है एक दिन की नमाज पढ़ा रहे हैं। दिन की नमाज पढ़ाते पढ़ाते आप अचानक आगे चल के मेहराब के अंदर चले और वहां पे आपने ऐसे ऊपर हाथ किया और फिर वापस आ गए। सहाबा ने ये मंजर देखा तो बड़े हैरान हुए कि आका करीम ने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। नमाज से फारिग हुए तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह हमने देखा आप नमाज पढ़ा रहे थे जमात की हालत में खड़े थे, आप आगे गए ऐसे हाथ बढ़ाया फिर पीछे, ये क्या मामला था? हजूर ने फरमाया आज अल्लाह ताला ने अपनी जन्नत को मेरी आंखों के सामने खड़ा कर दिया, अपनी जन्नत मेरे सामने आ गई थी। और हजूर फरमाते हैं कि मैंने जन्नत में जन्नत के खजूर के गोशों को देखा और मेरा दिल किया कि तुम्हारे लिए वो जन्नत से फल तोड़ दूं। फिर मैंने हाथ वापस हटा लिया कि ये मैंने अगर तोड़ के तुम्हें दे दिए तो तुम खत्म हो जाओगे, ये जन्नत का मेवा है ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। हजूर ने फरमाया मैंने इसलिए अपना इरादा तर्क कर दिया कि कहीं इस फल को खाते खाते तुम और खजूरों के फलों में मेहनत करना छोड़ दोगे। इस डर की वजह से मैंने हाथ पीछे कर लिया कि अल्लाह ने मेहनत में अजमत रखी है तो तुम मेहनत करते रहो और मेहनत का फल खाते रहो और ये फल अल्लाह ताला तुम्हें बरकत के बाद जन्नत में अता होगा। अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने हमें अता फरमाया। इसी तरह दूसरी आयत में फरमाया कि ये इनाम जो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने अगली आयत में फरमाया कि दूसरा इनाम क्या मिला। दूसरा इनाम ये मिला कि वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मकाम को मुसल्ला बना। आप में से जो आप हाजी उमरे की शहादत हासिल कर चुके हैं आपने देखा होगा कि खाना काबा के सेहन में अतीम काबा के साथ वो एक शीशे में जो है फानूस के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक वो आज तक भी मौजूद है। और ये वो जगह है कि जहाँ पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की दीवारों को मुकम्मल किया था और अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए उस पत्थर को मोम बना दिया, नरम बना दिया कि वो आपका कदम मुबारक सदियां गुजरने के बाद भी उस फानूस में उसी तरह सब है जैसे अल्लाह ताला ने उनके लिए पत्थर में निशान को सेव किया महफूज किया। और यहाँ पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बरकत हासिल करते हैं, दो रकअत नमाज नफल पढ़ते हैं और अब भी हुज्जात इकराम उमरा ज़ाहिरीन वो जब भी जाते हैं मकाम इब्राहिम पे दो रकअत नमाज नफल पढ़ते हैं जो कि सुन्नत है पढ़ना। और यहाँ पे ये बात भी याद रहे कि उस मकाम को मकाम इब्राहिम का जो दर्जा मिला है वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की ख्वाहिश पे मिला है कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे नफल पढ़ते तो हजरत उमर फारूक ने एक दिन अर्ज किया या रसूल अल्लाह इस जगह पे आप दो रकअत नमाज नफल पढ़ते हैं ऐसा क्यों ना हो जाए कि सबके लिए ऐलान कर दिया जाए कि यहाँ पे नफल पढ़े। अभी ये हजूर के दरमियान और उमर फारूक के दरमियान बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि अल्लाह ताला ने ये आयत जारी फरमा दी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम की जगह को मैं रब ऐलान करके बता रहा हूँ कि इसको अपने लिए जाए नमाज पढ़ा। वहां पर क़यामत तक के लिए ये हुक्म है कि वो जगह के जहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है खड़े होकर काबा की तामीर करते हैं अल्लाह ने उसको जाए नमाज बना दिया है। और यहां से भी दूसरी बात कि अल्लाह ताला को अपने नबियों की
निस्बतें और बरकतें कितनी पसंद है कि अल्लाह ने उनको कुरान का हिस्सा बना दिया। तो जिस तरह अल्लाह की बारगाह में इन नेक निस्बतों का अदब और एहतराम है, इसी तरह हमारे लिए भी जरूरी है कि अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के बरगुजीदा बंदे, नबी हों, औलिया हों, सहाबा हों, कोई भी अल्लाह का नेक और साले बंदा हो, उसकी निस्बत का एहतराम करना, अदब करना, ये ना किसी फिरके से रिलेटेड है, ना किसी गिरोह से रिलेटेड है, बल्कि ये सुन्नत खुदा की है और सुन्नत मुस्तफा की है। सुन्नत खुदा भी और सुन्नत मुस्तफा भी। देखना कि अल्लाह ताला ने उस जगह को कयामत तक के लिए निशानी बना दी कि यहाँ पर इब्राहिम ने खड़े होकर मेरे घर को मुकम्मल फरमाया। तो जब अल्लाह ताला की मंशा में ये चीज शामिल है कि जहां पर नेक लोगों की निस्बतें और बरकतें होती हैं, उनकी इज्जत करना, एहतराम करना, वो ना सिर्फ एक खास गिरोह से मुंसलिक है बल्कि अल्लाह की मंशा है, रसूल की मंशा है। और हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मैंने आपको शायद जुमे वाले दिन याद किया था कि आप तो मदीने की गलियों का इतना अदब करते हैं कि दरमियान में चलते नहीं है कि कहीं उस जगह पे कौन ना आ जाए जहां पर आमना के लाल का कौन लग रहा है, लेकिन अपने आप को दीवारों के साथ घसीट घसीट के ले जाते हैं। वो किसी ने अर्ज किया कि आप इतना मुश्किल में अपने आप को क्यों डालते हैं, तो आप फरमाते थे आप इसको मुश्किल कहते हो, आप कहते हैं मैं रसूलुल्लाह के शहर की गलियों का अदब करता हूँ, एहतराम करता हूँ, माँ बिंतो इन्ना रईतु रसूलुल्लाह, इस अदब करने का इनाम यह मिलता है कि मैं कोई रात भी ऐसी नहीं गुजारता जिस रात में आमना के लाल की ज़ियारत करता हूँ। हुज़ूर इस अदब का इनाम यह देते हैं कि मुझे अपनी ज़ियारत का शर्फ अता करते हैं। तो ये नेक निस्बतें चाहे वो मक्का की है, मदीना तैयबा की है, या कायनात की किसी भी जगह पे है, वो हमारे लिए अदब एहतराम का दर्जा रखती है। बहसियत मोमिन और बहसियत मुसलमान, उनके साथ अकीदत रखना हमारे लिए जरूरी है। कि मुसल्ला, ये मेहराब और यहाँ पर खड़े होने वाला कोई भी एनिमल, वो हमारे लिए इसलिए नहीं कि भी वो 5-6 फुट का एक वजूद है, इसलिए काबिल एहतराम है कि उसकी निस्बत रसूलुल्लाह के मुसल्ले और मेहराब से हो। तो इसलिए इन दो आयात मुबारक से हमें ये चीज जो है सीखने को मिली कि एक तो अल्लाह की राह में मेहनत करने वाला, अल्लाह की राह में आकाम की पाबंदी करने वाला, अल्लाह की राह में मुश्किलात को जो है सब्र के साथ झेलने वाला, बिल आखिर अल्लाह के इनाम का हकदार बनता है। अल्लाह उसको दुनिया में भी आखिरत में भी इनाम अता फरमाता है। और दूसरा, जहाँ जहाँ पे अल्लाह के बरगुजीदा बंदों की निशानियाँ होती हैं, उनके कोई ना कोई अलामतें होती हैं, वो अल्लाह की बारगाह में भी पसंदीदा होती हैं, उनके साथ बरकत होती है, और अल्लाह ताला उन बरकतों को कयामत तक हासिल करने वालों को अता फरमाता है। अल्लाह के हुजूर इल्तिजा है कि अल्लाह ताला बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मोमिन, अल्लाह के कुरान के इस मफ़हूम को समझने की सआदत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।